नमस्कार दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में जितेश शर्मा और रिंकू सिंह का आया तूफान। जितेश शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को नचाया और इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय टीम ने खड़ा किया बड़ा लक्ष्य। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान और इस रोमांचक चौथे T20 मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की। और पहला ही ओवर जायसवाल ने मैडन खेला और फिर उसके बाद जायसवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और दूसरे छोर पर गायकवाड़ को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जायसवाल छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और भारत को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। फिर उसके बाद गायकवाड़ का साथ निभाने श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन अय्यर भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर अय्यर भी छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 62 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। अय्यर ने केवल 8 रन बनाए और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में केवल दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए और 63 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव ने केवल 1 रन बनाया। दूसरे छोर पर गायकवाड़ अभी भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर गायकवाड़ का साथ निभाने मैदान पर रिंकू सिंह उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 10 ओवर में 79 रन 3 विकेट के नुकसान तक पहुंचाया। और रिंकू सिंह आते ही काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर कैच आउट हो गए और 111 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। फिर उसके बाद रिंकू सिंह का साथ निभाने मैदान पर जितेश शर्मा उतरे, लेकिन अपने डेब्यू मैच में जितेश शर्मा ने आते ही 2 छक्के लगा दिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच केवल 29 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन 19वें ओवर की 4थी गेंद पर जितेश शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 19 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को 168 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा। फिर उसके बाद अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल भी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 168 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। और अब 20वें ओवर में स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास थी, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही रिंकू सिंह LBW आउट हो गए और रिंकू सिंह ने 46 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम ने 20 ओवर में 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से द्वारिसु ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और उसके अलावा जैसन बैरनरोफ और तरमीर सांगा को 2-2 विकेट मिले। और जवाब में 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 40 रन बिना विकेट खोए बना लिए थे। ट्रेविस हेड ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी चौथे ओवर में रवि बिश्नोई ने आते ही पहली गेंद पर जोस फिलिप्स को 8 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और 40 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने 4थी गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को भी 31 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 44 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा छूने में कामयाब रही, लेकिन तभी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने अरुण हार्डी को भी बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 52 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। और अब क्रीज पर टीम डेविड और बेन मैकडरमॉट बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद अक्षर पटेल ने बेन मैकडरमॉट को भी 19 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और 87 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा झटका लगा। फिर उसके बाद टीम डेविड का साथ निभाने मैथ्यूज शॉर्ट क्रीज पर उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन फिर उसके बाद दीपक चहर ने स्लोवर गेंद पर टीम डेविड को 19 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 107 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब 30 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत थी। फिर मैदान पर कप्तान मैथ्यूज वेड उतरे और फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यूज शॉर्ट को भी 22 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 126 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम ने अंत के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करके इस चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को आसानी से हरा दिया और भारतीय टीम यह 5 T20 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।